తెలంగాణలో ఇచ్చిన హామీల మేరకు పథకాలు అమలు చేశామని తెలిపారు కాంగ్రెస్ జాతీయ అధ్యక్షులు మల్లికార్జున ఖర్గే. ఏదైతే చెప్తామో అది ఖచ్చితంగా చేసి చూపిస్తామని స్పష్టం చేశారు. రైతు బంధు నిధిలో రైతుల ఖాతాలో జమ చేశామని తెలిపారు. పంట నష్టపోయిన రైతులకు పరిహారం చెల్లిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. అధిక విడతలో ఎన్నికల నిర్వహణ ఎవరికీ ఉపయోగం లేదని విమర్శించారు. ఎన్నికల కమిషన్ విధానాల మేరకు అందరూ నడుచుకోవాలని వ్యాఖ్యానించారు. హైదరాబాద్ లో మీడియాతో మాట్లాడిన ఖర్గే బీజేపీ బీఆర్ఎస్ పై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. ट्रेनिंग लेते हैं, अप्रेंटिसशिप कोर्स करते हैं, उनके लिए एक पक्की नौकरी का हम गारंटी देते हैं और 30 लाख नौकरियां जो हमने कहा कि ये सरकार में खाली है, सेंट्रल गवर्नमेंट में पड़ी है, तो उसका इमीडिएटली हम इम्प्लीमेंट करेंगे हमारी गवर्नमेंट आने के बाद. और महालक्ष्मी योजना, ये गरीब परिवार की महिला को मुखिया को सालाना 1 लाख रुपए देंगे और सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 50% हम आरक्षण देंगे. और श्रमिक न्यूनतम मजदूरी जो 400 रुपए हमारे नरेगा योजना में, और दूसरे जो भी गिग वर्कर्स है या अनऑर्गेनाइज वर्कर्स है उनकी भी हिफाजत करने के लिए श्रमिक कानून को हम मजबूत करेंगे और उनके तरफ हमारा पूरा ध्यान रहेगा, क्योंकि मोदी जी की सरकार ये अमीरों की सरकार है, ये गरीबों के लिए कोई कानून करने वाले नहीं, किए तो भी उनके दिए हुए हक को छीन ले रहे हैं, तो वो फिर से हम उनको अपने हक उनके हकूक को दिलाने की पूरी कोशिश हम करेंगे. MSP की गारंटी, ये भी जो किसान लड़ रहे हैं और बहुत दिन से ये बात चल रही है, तो MSP को जो न्याय देना है, जिस ढंग से हमारे किसानों के लिए हम मदद करना है वो जरूर मदद करने का भी हमने इसमें गारंटी दी है. उसके साथ ही साथ ही सबसे महत्वपूर्ण ये जनगणना है, जो जाति जनगणना हम जो कर रहे हैं, मोदी जी उसी के ऊपर बहुत टीका कर रहे हैं. अरे भाई, सेंसस हर 10 साल को होता है, लेकिन मोदी जी 2021 का सेंसस बाहर नहीं लाए. क्यों नहीं लाए? हर साल हर 10 साल को बाहर आता है, उसके ऊपर जो एक निष्कर्ष निकाला जाता है कौन से एरिया में हमको काम करना पड़ेगा और कौन से एरिया में हम कमजोर है, हेल्थ में कैसे हैं, एजुकेशन में कैसे हैं, और लिटरेसी प्रोग्राम कितना है, वुमन डेवलपमेंट कितना है और उनकी एम्पावरमेंट क्या है, चिल्ड्रन उसकी हेल्थ क्या है, और सारे चीजें उसमें बाहर आती है. लेकिन ये बाहर निकालने के लिए जाति जनगणना भी हम इसलिए कर रहे हैं, किस किस कौम में लोग कमजोर हैं, कौन से कौम ऐसे.